नमस्कार। क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का यह पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है इसे देखते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण है 7/8। तो 8 से 7 में आप भाग दें तो आप स्वयं से इसे करें भाग देखे देखेंगे तो यह आएगा 0.875, अर्थात अंत में शेष शून्य आ जाएगा। तो ऐसे परिमेय को हम बोलते हैं शांत या टर्मिनेटिंग, अर्थात शेष शून्य हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं 1/3। तो 3 से 1 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.3333…… अर्थात हम भाग देते चले जाएंगे तो ये 3 आता चला जाएगा। तो हम इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक दंड या एक रेखा खींचते हैं जो यह बतलाता है कि यह 3 रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। और ऐसे परिमेय को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, शेष शून्य नहीं आ रहा है और रिकरिंग अर्थात बार बार रिपीट कर रहा है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं 1/7। तो 7 से 1 में हम भाग देते हैं तो यह आता है 0.142857। पुनः 1, 4, 2, 8, 5, 7 …… इसका अर्थ यह है कि अब हम और आगे भाग देते जाएंगे तो देखेंगे कि यही फिर से रिपीट कर जाएगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर से आ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक पूरा खंड रिपीट कर रहा है, पूरा ब्लॉक 1, 4, 2, 8, 5, 7 पुनः वही आता है, इसके बाद भी करते जाएंगे तो वही आता है। तो इसे हम व्यक्त करते हैं 0.142857, जो ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है और इसके ऊपर एक हम रेखा या दंड खींचते हैं तो यह भी अनवसानी आवर्ती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत यानी टर्मिनेटिंग होते हैं अथवा अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। और इसको विलोम रूप में कहा जाए तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह से होता है। तो यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले √2, 2 का वर्गमूल। तो आपने वर्ग 8 में वर्गमूल निकालना सीखा था तो आप 2 का वर्गमूल निकालें तो ये आता है 1.41423567309500…… अर्थात इसका कहीं अंत नहीं है। हम ये वर्गमूल निकालते चले जाएंगे और नए अंक आते चले जाएंगे। उसी तरह से पाई का मान, तो पाई का मान होता है 3.14159265358973…… अर्थात इसका भी कोई अंत नहीं है और जब तक हम निकालते जाएंगे ये कहीं शेष शून्य नहीं आएगा और न रिपीट कर रहा है, ये भी आप गौर करें।
एक और उदाहरण लेते हैं, 0.0111100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 
कि शेष शून्य नहीं आता है, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहां कोई भी खंड रिपीट नहीं हो रहा है। परिमेय संख्याओं में हमने देखा था कि वो रिपीट होता था, कोई ना कोई खंड रिपीट होता था, लेकिन यहां कोई भी खंड रिपीट नहीं हो रहा है। अर्थात ये है अनवसानी अनावर्ती, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी शेष शून्य नहीं आ रहा है, और नॉन रेकरिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। और इसका विलोम अगर हम कहें तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये पहला है 36/100, दूसरा है 1/11 और तीसरा है 4.1/8। तो ये जो पहला है 36/100, तो इसे जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36, अर्थात इसका शेष शून्य होगा। तो इसे हम कहेंगे शांत या टर्मिनेटिंग। अब दूसरा है 1/11, तो इसे आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.09909.... अर्थात ये दशमलव के बाद ये जो 0.09 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं 0.09 और इसके ऊपर एक दंड। तो ये कैसा है, ये अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी आवर्ती। अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब तीसरा उदाहरण ले रहे हैं 4.1/8, तो ये हो गया हमारा 33/8, तो ये हो जाएगा 4.125। आप भाग देखे देखेंगे तो यहां देख रहे हैं कि शेष शून्य हो जा रहा है, इससे आगे कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसा होगा, शांत होगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित को P/Q अर्थात परिमेय के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला उदाहरण देखते हैं, यह है 0.6 और उसके ऊपर ये दंड या बार है, अर्थात ये है 0.66666...
तो आइए इसे हल करते हैं। मान लिया कि शून्य दशमलव छ छ छ बराबर एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया है, अर्थात एक्स बराबर शून्य दशमलव छ छ डॉट डॉट डॉट। अब हम इसे दोनों ओर 10 से गुना कर दे रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, हम ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 10 एक्स बराबर, और इधर 10 से करेंगे तो 6.66 डॉट डॉट। अब हम इस एक और ये दो इसे नाम दे दे रहे हैं, तो एक से दो को हम घटा देते हैं, अर्थात तो ये इस तरह से हो जाएगा 10 एक्स घटाओ एक्स बराबर 6.66 डॉट डॉट डॉट, और ये घटाओ 0.66 या यहाँ आ गया 9x, और इसे जब घटा रहे हैं तो ये आ गया 6, तो अर्थात x बराबर हो गया 6/9। और इसे जब हम लघुत्तम रूप में लाएंगे, न्यूनतम रूप में, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा निकल गया 0.6, कितना हो गया ये 2/3। अब हम इसका दूसरा देख रहे हैं, तो ये दूसरा नंबर है, शून्य दशमलव 4/7 और इस पर 12 है, तो अर्थात 0.47 पर 12 है, तो इसका अर्थ हो गया ये है 0.47777, ये रिपीट कर रहा है 7। तो पहले प्रश्न की तरह यहां भी हम वैसे ही करेंगे, मान लिया कि x बराबर 0.47777 डॉट। अब पुनः हम 10 से गुना करते हैं दोनों ओर, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा 10 एक्स बराबर 4.777 डॉट। अब फिर हम इस तरह से घटाते हैं, ये दूसरे वाला जो है इससे पहले वाले को घटाते हैं, तो ये आ जाएगा 10 एक्स घटाओ एक्स बराबर 4.777 डॉट 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 घटाओ 0.4777 डॉट डॉट, तो इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और अच्छा रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा ये 9x बराबर 4.3। अर्थात 9x बराबर 43/10, ये दशमलव हटाएंगे तो यहां पर ये हर में 10 हो जाएगा, या x बराबर 43/, ये 9 नीचे आकर यहां गुना हो जाएगा, 9 गुना 10, 9 गुना 10, तो ये हो गया 43/90। प्रश्न संख्या 3, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहां पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है
√23 यानी 23 का वर्गमूल, तो ये कैसा होगा? ये तो शांत नहीं होगा यानी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और न ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये कैसा होगा? ये अनवशानी अनावर्ती ये होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय। यहां है 225 का वर्गमूल, तो हम लोग जानते हैं 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ये कैसा है? ये दशमलव प्रसार शांत है, तो ये परिमेय होगा। यहां देख रहे हैं तीसरा नंबर 0.3796, और इसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है, अर्थात इसका शेष शून्य हो जा रहा है, अर्थात ये प्रसार कैसा है? शांत है, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी परिमेय होगा। अब ये चौथा नंबर देख रहे हैं 7.478, पुनः 478, ये रिपीट हो रहा है, अर्थात ये ब्लॉक 7.478 और इसके ऊपर एक दांडिया बार हम देते हैं, तो ये कैसा है? ये है प्रसार अनवसानी आवर्ती, और जिस संख्या का ऐसा दशमलव प्रसार होता है वो कैसा, कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय। अब यहां पर देख रहे हैं पांचवा 1.101001, फिर 3 शून्य है, फिर 1, फिर 4 शून्य है, फिर 1, तो इस तरह हम देख रहे हैं, सॉरी यहां ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट, यहां हम देख रहे हैं कि ये न तो शांत है और न तो अनवसानी आवर्ती है, यह है अनवसानी अनावर्ती। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय, अपरिमेय।